प्राप्त हो जाते हैं, आत्मा उनको साथ लेकर चलता है। तब उपनिषदों की कथा आती है। जब नारद जी ने यह जान लिया कि ब्रह्म धाम जाने में भी कोई विधि है, कोई विधान है, ब्रह्म की प्राप्ति भी जो उसके योग्य होगा उसी को होगी, तो नारद जी सनत कुमार की शरण में गए। सतयुग में गुरु महाराज ने भक्ति प्रकाश में इसका वर्णन किया हुआ है। सनत कुमार की शरण में जाकर नारद जी ने याचना की, प्रार्थना की। अब साधक की प्रार्थना कैसी होती है? प्रार्थना सभा है ये। प्रार्थना कैसी होती है? नारद जी ने कहा सनत कुमार जी को संबोधन करते हुए, हे भगवान, मुझे ब्रह्म विद्या पढ़ाइए, वह विद्या बताइए जिससे मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। सनत कुमार ने नारद जी से कहा, हे नारद, जो कुछ तू जानता है, जितना तू पढ़ा हुआ है, जितना तुझे ज्ञान है, उसे, उस सारे ज्ञान को मेरे समीप बैठकर वह मुझे सुनाओ। वह सुनने के पश्चात मैं आपको जहां तक आप जानते हैं उससे आगे का ज्ञान मैं दूंगा। अब यहां यह नहीं कहा कि मैं तुझे ब्रह्म का ज्ञान दूंगा, वह ब्रह्म विद्या दे दूंगा। जहां तक तुम जानते हो उसके आगे का ज्ञान क्या है मैं वह बताऊंगा, क्योंकि ये उसकी प्राप्ति एक एक पड़ाव ऊपर उत्तीर्ण होता है। जो बच्चा LKG UKG कर लेता है उसी को पहली कक्षा में एडमिशन मिलती है, जो दसवीं पास कर लेता है उसी को +1 +2 में एडमिशन मिलती है। इसी प्रकार जो इसमें उत्तीर्ण होता है उसको कॉलेज में, और जो पोस्ट ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट है वही पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है। जहां तक तूने किया हुआ है मुझे वह बता, इससे आगे मैं तेरे को बताऊंगा। तब नारद जी ने अपने ज्ञान का वर्णन करना आरंभ किया कि मैं क्या क्या जानता हूं, किस किस का मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सनत कुमार जी से कहते हैं, नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं ऋग्वेद को जानता हूं। ऋग्वेद में क्या है, इसका क्या ज्ञान है, किस प्रकार ये हमें प्रेरणा देता है, इसको मैं जानता हूं। फिर यजुर्वेद को भी मैं जानता हूं, वह मैंने पूरा ज्ञान अपने भीतर भरा हुआ है। यजुर्वेद के पश्चात मैं सामवेद को जानता हूं। मैंने चौथे अथर्ववेद को भी पूर्ण मनन करके इसको जान लिया है। पांचवा, मैं इतिहास को भी जानता हूं। इतिहास में जो पुराण है, पुराणों को भी मैंने अध्ययन किया हुआ है। वेदों के वेद व्याकरण को मैं अच्छे से जानता हूं, व्याकरण शब्द अर्थ। फिर इनमें जो पितृकर्म है उनके जो गुण है, मैं पितृकर्म को भी जानता हूं, अपने कर्तव्य कर्म को। फिर गणित शास्त्र को भी मैं जानता हूं। भाग्य विज्ञान को भी मैंने पूरा इसका ज्ञान ले लिया है। भाग्य, भाग्य कैसे बनता है, इसका जो विज्ञान है, भाग्य कैसे बनता है, यह भी मैं पूर्ण जान चुका हूं।
फिर निधि ज्ञान, ये संपत्तियां कैसे प्राप्त होती है यह भी मैंने पूरा जान लिया है। तर्क शास्त्र को भी मैं जानता हूं, फिर नीति शास्त्र, नीति नीति में निपुण महाभारत में वर्णन किया गया विदुर जी को, नीतिवान, हानि ना हो और कार्य हो जावे, किसी को पता भी ना चले और कार्य सिद्ध हो जावे, नीतिवान कैसा होवे मानव, विदुर जी प्रमाण है इसके। तो उससे पहले नारद जी ने कहा सनत कुमार जी से, मैं नीति शास्त्र को भी जानता हूं, मैं देवों के ज्ञान को भी जान गया हूं। देवों का ज्ञान है जो देवी देवता किस प्रकार से कार्य करते हैं, कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, कैसे इस लोक के कार्य करने में वह सक्षम होते हैं, वह मैं जान गया हूं। मैं भक्ति शास्त्र को भी जान गया हूं, पांच तत्वों की विद्या को मैं जानता हूं, पांच तत्व हैं। फिर आपने कहा और मैं क्या जानता हूं, मैं धनुर्विद्या भी जानता हूं, धनुष को, प्राणों की रक्षा करना और आतताइयों को ठिकाने लगाना, यह विद्या भी मैं जानता हूं। मैं ज्योतिष शास्त्र को भी जानता हूं, ज्योतिष। फिर सर्पों के ज्ञान को भी मैं जानता हूं, गंधर्व, उनके गीत और उनका संगीत, उनका नृत्य, इस विद्या को भी मैं जानता हूं। मैं गायन विद्या भी जानता हूं, संगीत विद्या भी जानता हूं और नृत्य विद्या ये भी जानता हूं। हे भगवान, ये सब मैं अध्ययन करता हूं, इसका मैं अध्ययन करता हूं, मुझे ये सारी विद्याएं आती हैं। हे भगवान, वह सर्व विद्या संपन्न मैं मंत्रवित ही हूं, ग्रंथों के पाठ का ज्ञाता ही हूं, आत्मा का ज्ञाता नहीं हूं। ये सारे ग्रंथों का और जो ज्ञान है, ये मुझे सारा ज्ञान है, मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है। मैं आपसे याचना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे आत्मा का ज्ञान दो। मैंने भगवान जैसे सुना है कि आत्मा का ज्ञान होता है, परंतु ये मेरे अनुभव में नहीं आया है, मैंने अनुभव नहीं किया आत्मा को। ये सारी विद्याओं को प्राप्त करने के पश्चात भी मैं आत्मा को नहीं जानता हूं। जो सारी विद्याओं को प्राप्त करके जो मेरे में कमी है, अभी तक मैं शोक को अनुभव करता हूं, शोक है मेरे भीतर, जन्म मरण की मुझे चिंता है, उससे मैं कैसे तरूं। परंतु भगवान, वह मैं शोक करता हूं, उस चिंतातुर मुझको भगवान शोक से पार तार देवे, मेरे को कभी शोक ना होवे, मैं उस अवस्था में प्रवेश करना चाहता हूं। नारद जी ने इस प्रकार प्रार्थना की आत्मज्ञान के लिए। आत्मज्ञान यह
इन विद्याओं से प्राप्त हो चुका था कि जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा तब तक ब्रह्म में प्रवेश नहीं किया जाएगा। ब्रह्म की प्राप्ति आत्मा ने करनी है, क्योंकि प्रवेश तो आत्मा ने करना है, इंद्रियों ने तो इसी लोक में रह जाना है, पीछे परिवार इसको जला देवेगा। केवल आत्मा इन इंद्रियों द्वारा किए संस्कार साथ लेकर उस लोक में प्रवेश करेगा। ये नारद जी जान चुके थे, परंतु आत्म ज्ञान कैसे हो, यहां पर आकर उनको पूर्ण गुरु चाहिए था। नारद को सनत कुमार ने कहा, तूने जो कुछ यह अध्ययन किया है वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्र ज्ञान का, वह केवल तूने शब्द अर्थ को ही जाना है। इसका ज्ञान तूने केवल शब्द अर्थ, अब इसके भाव और क्रियात्मक रूप में जब तक तू नहीं लेके आएगा, जैसे उदाहरण के रूप में उपनिषदों में इसका उदाहरण आया, मानव एक सोने की ईंट को अपनी तिजोरी में रख लेवे, बहुत प्रसन्न होता रहे, परंतु उसको व्यवहार में कैसे लेके आ सकता है, उस सोने को किसी सुनार के पास ले जावे, उसके आभूषण बना दिए जावे, हाथ का कंगन, उंगली का वह जेवर, गले का वह जेवर, सिर का वह जेवर, तब वह उसको सोने को व्यवहार में ले आया और प्रसन्न हो जाता है, खुशी होती है उसे। तिजोरी में रखे हुए उस सोने की ईंट को उसने व्यवहार में ले आया। इसी प्रकार इस सारे ज्ञान को वह स्वरण है निस्संदेह, परंतु उसको अपने व्यवहार में ले आना, अपने कर्म कलाप में ले आना, केवल शब्द अर्थ तक सीमित नहीं रहना, जो अमृतवाणी में वर्णन किया हुआ है, उस राम की शक्तियों को चिंतन करना, स्मरण करना, वह किस प्रकार राम मेरी सहायता करता है, मेरी रक्षा करता है।